नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, केंद्रीय संस्था नीति आयोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। इसी के तहत आज आसनसोल रेल पार्क करीमिया सिटी मॉडल स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां नीति आयोग के पदाधिकारियों ने आयोग की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान न्यामतपुर पीस पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ ही कई स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और सभी ने नीति आयोग की इस नई योजना को विस्तार से जाना। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि नीति आयोग किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहां पर डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहां एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहां ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है और नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वो ये है, नीति आयोग जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक माने विंग है और अवर स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आर टू अपोजिट पोल्स। तो हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस वे ऑल एंड व्हाई नॉट कमिंग थ्रू द गवर्नमेंट। एक प्राइवेट एनजीओ अगर ये कर रही है, प्राइवेट एनजीओ आप जो है इस तरीके से अगर इसको ये कर रही है, तो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन होगा या फिर आधा करने के बाद जो है दीदी का हो जाएगा कि ना एटा हमें मानबो ना हमें बोलबो ना, तब फिर क्या होगा। इसलिए जो है इसके थोड़ा सा क्लियरेंस करने से अच्छा होता, नहीं तो फिर वहाँ पर जय श्री राम और ये जय बांग्ला होने लगेगा। इसलिए जो है इसको पॉइंट को क्लियर किया जाने से अच्छा होगा। 2017 में ये वाला सीटीएल का, लेकिन 2019 का अभी खत्म होने जा रहा है, अभी वेस्ट बंगाल में ये काम हुआ नहीं, ये जो आप बताया इसी कारण हुआ। अभी जो मतलब आप लोगों का ये है कि अभी तो आसनसोल फिलहाल अभी बीजेपी गवर्नमेंट का हाल, तो इसलिए आप लोगों का यहाँ के मतलब हम लोगों को भी नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा। कलकत्ता में भी चल रहा है और वो भी एटीएल का जो मतलब ये है, मतलब एटीएल का जो साइट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल के जिस स्कूल को अभी तक मिले। तो जैसे मैंने आपने यहाँ पर डिफरेंट स्कूल के मास्टर्स को बुलाया, तो डीआईओ स्कूल्स को ही बुलाते या एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर्स को बुलाते थे यहाँ पर जो है। ये क्या है ना, ये मतलब ये तो एक पहले आपको इसके बाद फिर आप लोग सेमिनार करते, ऐसा नहीं कि ये मतलब एक सेमिनार करके आप लोग खत्म कर सकते। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मतलब एक सेमिनार होने के बाद उसका अगर फॉलो अप नहीं रहता है तो क्या होता है, आप भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। इसीलिए क्या है, ये पहला था, पहला दिन तो मतलब पहला दिन का इतना सारा मतलब ये आया है, इतना सारा काम छोड़ के भी ठीक है। मैंने स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कोई मैंने पॉलिटिकल क्रैश नहीं है, पॉलिटिकल क्रैश का क्या था ना रखा है सेमिनार पे, और डिटेल में जो सारी बातें हम लोगों ने सुनी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन साथ साथ उसके क्राइटेरिया भी बहुत ज़बरदस्त है और उस क्राइटेरिया को मेरे ख्याल से थोड़ा फुलफिल करना तो नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने सरकारी स्कूल के बंदिशों को ख्याल रखते हुए और हमारे जो हायर ऑथोरिटीज़ हैं उनको भी कंसल्ट में लेते हुए कि देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। यकीनन अगर ऐसा होता है कि हम लोगों के स्कूलों में इस तरह का लैब बन जाए तो देखिएगा, एक चीज़ आप महसूस कीजिएगा कि हमारे बच्चे जब एचएस के बाद कॉलेजेस में जाते हैं तो हम लोगों का वो बच्चे जो किसी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या आईसीएसई बोर्ड के अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे बच्चे थोड़ा सा वहाँ इस तरह का उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं। तो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोगों के स्कूलों में आए, उर्दू मीडियम के बच्चों को मिले, इस तरह का लैब मिले, इस तरह का इन्वायरमेंट मिले, टीचर्स मिले, तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों में कमी नहीं है, हमारे बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, वो माहौल नहीं मिल रहा है, वो इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा तो हम समझते हैं कि जो है हमारे बच्चे उन बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे।
और रही बात कि हम लोग हमारा जो मसला है शमशेर साहब का वही मसला है, दूसरे उर्दू मीडियम के स्कूलों का वही मसला है, तो देखते हैं हम लोग मूव करें, ना हो तो हम लोग आपस में बैठे कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर एक पहल हुई है तो एकदम सरेंडर अभी नहीं कर जाना है, वी शैल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं, हो सकता है इस साल नहीं कामयाब होंगे अगले साल के लिए। हमारे जो मेहमान आए हुए आज के सेमिनार में, जो अटल इनोवेशन मिशन के मुताबिक जो कहा है, मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और अभी शमशेर आलम साहब, निजाम साहब और जो भी सरकारी स्कूल के जो लोग भी आएंगे, ये ज़रूर कहेंगे कि 300 रुपया हमारे यहाँ अभी 1500 स्टूडेंट्स हैं और 60% हम लोग कलेक्शन कर पाते हैं 240 रुपये। ज़्यादातर लोग BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज का जो सेमिनार है अटल टिंकरिंग लैब को लेकर, इसके ताल्लुक से जो मेहमान आए उन्होंने काफ़ी अच्छा जानकारी दिया और सारे प्रोस कॉन्स को साफ खोल कर दिया हमारे सामने। मसला सिर्फ है गवर्नमेंट स्कूलों के साथ बस एक ही है, वो 300 का मामला। ठीक है, हमने भी यार प्रॉब्लम से शेयर किया कि आखिर ये मसले का हल कैसा होता है, क्योंकि 240 के अलावा तो पैसा नहीं लिया जाता है, वो एक मसला दरपेश है। उनका हल भी उन्होंने कुछ बताया है, तो आप लोगों को भी बाद में बता दिया जाएगा कि वो भी बाकी जो क्राइटेरियाज हैं उसको पूरा कर लें। हमने सारी बातें इनकी सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मिशन है और हम सबों को इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की जो है खुदा है, इसमें हमारी कौम की खुदा है। हमारे यहाँ जो मजबूरी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मजबूरी है, हमारे यहाँ इतने बच्चे नहीं है कि हम इसके एबल हो सके। हाँ, दो जूनियर स्कूल हमारे यहाँ है, एक गंडिया उर्दू MSK और काजी नजरुल इस्लाम। हो सकता है कि सरकारी स्कूल में भी ये प्रोजेक्ट आसानी से लॉन्च हो सकता है, बस इसीलिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दें ताकि इस प्रोजेक्ट को ना सरकारी स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट हो जाए। इसलिए सरकारी स्कूल का मजबूरी है, मजबूरी क्या है, सबसे बड़ा मजबूरी है कि अगर ना बच्चों से 300 रुपये कलेक्ट किया जाए तो हम लोग का पॉलिटिकल इतना प्रेशर हो जाता है, ना आपका इलाकाई प्रेशर हो जाता है, बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, उसको जो है झेलना बहुत कुछ है, वो मतलब इम्पॉसिबल है उसको कहता है। इसलिए उससे ना फेस करने के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें तब ना सरकारी स्कूल का ही बच्चों को इससे फायदा हो सकता है। टिंकरिंग लैब का कोई भी प्रोजेक्ट पास कराना है तो आप इनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इनको क्रॉस कीजिएगा तो होगा नहीं, क्योंकि ये इनको एजेंसी के तौर पर मिला है, सरकार द्वारा नियुक्त है। ऐसा नहीं कि सरकार से हट करे, सरकार के जरिया ही इन्हें ये प्रोजेक्ट दिया गया है ताकि ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तकरीबन 5000 स्कूलों को पश्चिम बर्धमान में देने का इनका लक्ष्य है। अभी तक जितना हम लोग हिट कर रहे थे, आपका नाम क्या हुआ? शुभजीत रे। आज आप यहाँ पे किसने आए, क्या प्रोग्राम आपका? यह प्रोग्राम करने आए हैं, अटल इनोवेशन मिशन के तरफ से हम लोग आए हैं, नीति आयोग ऑन बिहाफ ऑफ नीति आयोग हम लोग आए हैं। आके मतलब ये जो अटल टिंकरिंग लैब जो एक होता है, ये लैब को कैसे बनाया जाए, कैसे उसका क्राइटेरिया फिलफिल किया जाए, कैसे यहाँ का जो स्कूल है, जो स्कूल का मतलब
उसका ओवरऑल ग्रोथ कैसे किया जाए ये अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से। लैब जो होता है वो क्या होता है, स्कूल में क्या होता है? ये देखिए क्या होता है ना, बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो थियोरिटिकल पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल रहता है ये प्रैक्टिकल होता नहीं है स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जो प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह ये सब है नहीं। तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, ये लैब्स है स्टेम सेल को, ये क्या करते हैं, स्टेम बोल के एक चीज़ होता है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चारों सब्जेक्ट को कंबाइन करके उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला लैब को सेटअप किया जाता है। ये स्कीम किसका है? ये स्कीम है नीति आयोग का। आप लोग क्यों कर रहे हो? हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब ये पूरा वेस्ट बंगाल में जोन एमटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक संस्था है जिसको पूरा वेस्ट बंगाल का काम मिला है ये अटल टिंकरिंग लैब करने के लिए, और हम लोगों को चार डिस्ट्रिक्ट का काम करने के लिए ऑलमाइटी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन को ये काम करने के लिए हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिम बर्धमान को हम लोगों को ये काम। आप लोग कब से कर रहे हैं ये काम? हम लोग कर रहे हैं 2018 के एंड से। आसनसोल में फर्स्ट बार? हाँ, आसनसोल में ये पांच बार। कैसा रिस्पॉन्स था? आज तो फिलहाल करीब 50 नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल आए हैं, रिस्पॉन्स तो बढ़िया है। आज दिन है ये मतलब लास्ट बार नहीं है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हफ्ता छोड़ के फिर हम लोग सेमिनार करेंगे कोई दूसरा स्कूल में। आज जो सेमिनार आपके यहाँ प्रॉब्लम उभर के आया? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे जो हम लोग को बेसिकली जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अगर करना है तो उसमें वो जो मतलब एक पेड सेमिनार का जो ये है वो लेके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये लोग ये लेके हम लोग इसको नीति आयोग से बातें करेंगे, इसका जो प्रॉब्लम है उसको हल निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है और भी सेमिनार करना, और भी मतलब जितना सारा स्कूल है सब स्कूल को, मतलब ये जो ATL के बारे में, नीति आयोग के बारे में सबको मतलब जानकारी तो होना चाहिए, उसके बाद ना ये स्कीम सबको ये होगा, मतलब उसका जो मतलब बेनिफिट्स है वो मिलेगा। पहले तो सब स्कूल को मतलब जो नीति आयोग किया है, ATL किया है, ये सब सबको जानकारी होना चाहिए, तब उसको जो मतलब इससे जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट लेने का मतलब जो वेज है वेज दिखाई देगा। आपको इस प्रोग्राम के लिए घूरते हो जगह जगह हर स्कूलों में, मैंने आपको क्या लगता है कितने स्कूल को यहाँ ले पाएंगे? देखिए क्या है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट स्टेज में 13,500 स्कूल को देने का बात था पहले एकदम, ये 2017 को ये आया था नीति आयोग जो ये लिया था, तब था 13,500 ऑल ओवर इंडिया। अभी तो फिलहाल ये 13,500 जो था ऑल ओवर इंडिया, ये वाला स्कीम को अभी 5,000 वेस्ट बंगाल में करना चाहते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब द सक्सेस रेट हैज़ इंक्रीज डे बाई डे, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है कि मतलब जो 13,500 इंडिया में था अभी सिर्फ 5,000 वेस्ट बंगाल में देना चाहते हैं। तो आखिर में क्वेश्चन है कि जो स्कूल यहाँ आ नहीं पाए वो अगर आप लोग से जुड़ना चाहते हैं वो क्या करना पड़ेगा? वो क्या है, मतलब देखिए हम लोग को और सेमिनार करेंगे तो वो सेमिनार में वो लोग दाखिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वेबसाइट वो कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर वो तो दिया है 8373095। वेबसाइट डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कि ये वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग क्या है, हम लोग चारों डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पूरा वेबसाइट बनवाएंगे, जिसमें क्या होगा मतलब सबको उसमें आने को मतलब सुविधा होगी।